हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटो के प्लस में। आज हम ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करेंगे जो अभी लॉन्च होने वाली है और बुकिंग भी चालू हो चुका है। अगर आप सच में ओला स्कूटर को बुक कर दिए हैं ऑनलाइन या इस बुक करने की सोच रहे दोस्तों, तो ये वीडियो आप जरूर पूरा देखिए, तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि इसमें सब ने प्लस पॉइंट ही बात किया है या इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है जो आपके कंसर्न के अगर आपको फुलफिल होता है तो आप जरूर जाइए इसको बाय करिए। अगर नहीं आपको फुलफिल होता है तो आप वेट कर सकते हैं सिंपल मार्क टू का भी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप अगर चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, जो मुझे इस स्कूटर को देख के नजर आता है, इसका जो फुटबोर्ड है वो बाकी स्कूटरों की जैसा एक्टिवा या एक्सेस की तरह फ्लैट नहीं है। ये थोड़ा सा कर्वी है, थोड़ा सा बीच में बम्पी है, तो मे भी थोड़ा सा एक इशू हो सकता है। अगर आप इसमें लगेज ऐसा फ्लैट लगेज कैरी करना चाहते हो तो आपको शायद थोड़ा मुश्किल हो लगेज को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके स्पेसिफिकेशंस क्लियर किए बगैर ओला ने ऑलरेडी बुकिंग स्टार्ट कर दी है, जो लोगों को कुछ अंदाजा भी नहीं है कि इसके क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, भाविश अग्रवाल अपने ट्विटर हैंडल पे अभी भी लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितना किलोमीटर आपको रेंज चाहिए, कितना टॉप स्पीड चाहिए, तो ये सब चीज पूछ रहे हैं। इसका मतलब या स्कूटर ऑलरेडी रेडी है और टॉप चीजों के लिए, या फिर ये सारे स्पेसिफिकेशन अभी तक उनको करना बाकी है। जाते हैं दूसरे पॉइंट पे दोस्तों, कि जैसा कि आप सोच रहे हो कि आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो एंड, तो आप ये भी सोचोगे कि आपको इसका चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ मिलेगा। जैसे एथर का तो ऑलमोस्ट एथर ने बहुत सारे जगह लगा दिए, जिन जिन सिटीज में अवेलेबल है तो उनके चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल है, एंड आप अपने बिल्डिंग्स में भी वो लोग एथर के इंजीनियर्स आके आपके घर में बिल्डिंग के नीचे या आपके घर के अंदर भी इंस्टॉल करके जा रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा अच्छा सर्विस दे रहे हैं। अगर ओला भी यही करने वाला है, जो हमारे पास चार्जिंग स्टेशन, अगर वो अलग से चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों, तो मैंने इसका देखा, ओला इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है इसका मैंने देखा है कि इसका जो फ्रंट व्हील का जो शॉक अब्जॉर्वर है, फ्रंट व्हील शॉक अब्जॉर्वर है वो टेलीस्कोपिक नहीं है, जो मैक्सिमम कंफर्टेबल देता है राइड परफॉर्मेंस के लिए। मे भी थोड़ा सा एक कंसर्न है मेरे लिए, बट अगर आप 1,00,000 रुपए दे के कोई स्कूटर खरीद रहे हो और आपको नॉर्मल सस्पेंशन मिल जाए, टेलीस्कोपिक नहीं मिले, तो शायद आपके राइड परफॉर्मेंस में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इंडियन रोड्स के लिए इस समय की जरूरत है स्कूटर या बाइक हो उसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जरूर दे रहे हैं। जैसे कि अभी न्यूली एक्टिवा 6G में देख रहे हो, वो भी आपको पहले अपने हाइड्रोलिक फोर्क से मूव करके अभी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन पे आ चुके हैं। बढ़ते हैं कुछ ऐसे इसके फीचर पे, जैसे कि अभी फिलहाल इन्होंने जो टीजर लॉन्च किया है इनके 10 कलरों के साथ, बट जो डिजाइन स्कूटर का है मुझे कुछ अपीलिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे टॉय स्कूटर जैसा लग रहा है, क्योंकि इंडिया में अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लगभग कोई भी डिजाइन हुई तो थोड़ा सा हमारा स्पोर्टी लुक में है, तो कोई रेट्रो लुक में है, तो ये डिजाइन ऑलरेडी इंडिया में फेमस है एंड ऑलरेडी चलते आ रही है, बट ये जो डिजाइन जो कर्वी सा लिखा है ये थोड़ा सा मुझे टॉयश लुक लगता है। मे बी आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको ये स्कूटर का डिजाइन अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करके हमें बताइए। आगे के पॉइंट में आते हैं दोस्तों, की सबसे पहली बात, अगर आप कोई ऐसी व्हीकल चूज करते हो जिसका कोई सर्विस सेंटर ना हो या उसका कुछ अभी तक प्लान अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं किया गया हो, जैसे कि आप स्कूटर खरीदते ही समय आप सोचते हो कि अगर स्कूटर में कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ या शॉर्ट सर्किट हो गया या बैटरी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको सर्विस के लिए कहाँ लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि आजकल पेट्रोल स्कूटर के लिए आप देखोगे हर 5-10 किलोमीटर के अंदर एक सर्विस सेंटर होता है, जहाँ आप इजीली एक्सेसिबल है, उसको आप सर्विस करा के लेके आ सकते हैं, बट इस स्कूटर का अभी तक कोई प्लान अभी तक आया नहीं है। मे बी इन फ्यूचर में आए, या आपको ऑनलाइन ही बुक करके स्कूटर को लेके जाना है, या डोर स्टेप आपको ये सर्विस मिले, उसका भी कुछ पता नहीं है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दोस्तों, इसका जो स्पेयर पार्ट्स होता है, जैसे कि आपका मिरर हो गया, इंस्ट्रूमेंट कंसोल हो गया, या आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जैसे कि आप प्यूरी भी देख रहे हो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ऑलरेडी, बट उनके जो सर्विस सेंटर से जो सेल सेंटर है वही उनके सर्विस सेंटर की तरह ही एक्ट कर रहे हैं, आपको इजीली पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। बट ओला का अगर आपका एजेंसी या ऐसा सेंटर ही नहीं होने वाला डिस्ट्रीब्यूटरशिप, तो कैसे आपको ये पार्ट्स मिल पाएंगे, तो एक तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। या हम लोग अज्यूम कर ले कि ओला इतना अच्छा रहेगा कि जब हम लोग का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हम उसको सेल्फ सर्विस ले या डोर स्टेप में आके इंजीनियर हमारा अगर सही करके जाए, डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला। अगर ऐसा कुछ हो तो कुछ नया हो जाएगा। आते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों, जो थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा, जैसे कि आपने देखा रहेगा एथर के लिए भी बहुत सारी बुकिंग आए, बट उनके जो एक्चुअल सेल्स हुए वो काफी कम थे।
वैसा ओला ने भी बुकिंग प्राइस बहुत कम लिया एंड उन्होंने लगभग 2-3 दिन के अंदर उनको 1.5 लाख के ऊपर उनको जो भी बुकिंग्स मिल चुके हैं, बट उसमें से कितने लोग हैं जो एक्चुअल बिना स्पेसिफिकेशन जाने, बिना कुछ राइड परफॉर्मेंस या बिना फिजिकल स्कूटर देखे कैसे आप डिलीवरी ले सकते हो पैसा पे करके ऑनलाइन, या डोर स्टेप डिलीवरी कैसे ले सकते हो? अगर आपका इन ट्रांजिट, अगर आपको डिलीवरी में आपका व्हीकल अगर कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है या कुछ रिपेयर जैसा हो जाता है या कुछ टूट जाता है, तो वो आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, या फिर आपको नया प्रोडक्ट के लिए ही आपको रिपेयर करना पड़ जाए? तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक कंसर्न हो जाता है मेरे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, मैं मेरे पिछले वीडियोस में भी जहां मैंने इसका प्रोस कॉन्स बताया था, मैंने कुछ चीज़ें या मैंने इसके जो फीचर्स बताया था उसमें लोगों ने कमेंट करके ये पूछा है कि इसमें क्या सब्सिडी होने वाली है। अगर दोस्तों ओला लॉन्च करता है फुल गवर्नमेंट कंप्लायंट के तरीके पे फेम टू सब्सिडी के लिए अगर एलिजिबल होता है, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि अप टू 40% ऑफ आपका व्हीकल का एक्स शोरूम प्राइस आपको सब्सिडी में मिल जाएगा। अगर आपकी ओला की स्कूटर की प्राइस अगर 1 लाख की होगी तो आपको 40,000 तक मिल जाएगा। उस पर भी कुछ नॉर्म्स रहेंगे दोस्तों कि आपको कंप्लीट सब्सिडी पूरा अमाउंट नहीं मिल सकता है, क्योंकि तब ये स्कूटर आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। 60,000 में स्कूटर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मे बी एक प्रॉब्लम है, तो उसका भी शायद अपर कैप या लोअर कैप रह सकता है दोस्तों आपका कोई भी वेरिएंट। जैसे कि आप अगर लोअर एस लेते हो मॉडल, तो आपको शायद आपको 10,000 का या 15,000 का ही मिले, एंड अगर आप हाईएस्ट मॉडल लेते हो तो मैक्सिमम कैपेसिटी 30,000 तक वो लोग रख सकते हैं। तो ये सोलली डिस्क्रिप्शन है ओला के पास कि कितना सब्सिडी उनको प्रोवाइड कराना है। फाइनली दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो, इंडिया में एक मॉनसून सीजन भी आता है जो 3-4 महीने तक चलता, तो अगर आपके पास पार्किंग स्लॉट अवेलेबल नहीं है, अगर आप ओपन स्पेस पार्किंग में रखते हो आपके स्कूटर, तो कितना हद तक आपके स्कूटर ये बर्दाश्त कर सकती है कि बारिश का पानी उसमें अंदर ना जाए, या कंप्लीट वाटरप्रूफ है या वाटर रेजिस्टेंट? तो अभी तक इसका टेस्ट कुछ रिवील हुआ नहीं है, तो मे भी एक तरह का आपकी तरफ से एक और कंसर्न हो सकता है दोस्तों अगर आप बाइक करते हो तो बिना इस चीज़ के लिए। सो ये थे सारे पॉइंट्स दोस्तों जो मुझे कवर करने थे, जो कोई और किसी और वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे शायद जो मैंने बोला है। तो बेसिकली आपका कौन सा कंसर्न ज़्यादा वाला है, तो क्या है दोस्तों ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।